सबसे इजी प्रोसेस है जो एट प्रेजेंट चल रहा है अमेज़ॉन में। बट आई डोंट नो कि एट प्रेजेंट अभी हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है, बिकॉज जस्ट टू मंथ्स बिफोर सारी हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ पीक विच इज़ कमिंग इन सेप्टेम्बर लास्ट 27 आई गेस। सो उसके पहले ही सारी पूरी ही हायरिंग हो चुकी है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, रिक्वायरमेंट जैसे ही आएगी वो तुरंत लाइक रिवील करेंगे उनकी हायरिंग एंड दोबारा से निकालेंगे उनको, क्योंकि नीट रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहती है। सो सबसे पहले जो मेन जहाँ से स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, यू हैव टू फिल योर बेसिक डिटेल्स इन विच कि आप कहाँ किस सिटी से हैं, क्या है आपका, किस स्टेट से हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ फिल करनी होती है। एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन लाइक एंटर माई ई मेल एज वेल फॉर रेफरेंस कि लाइक आप मेरे थ्रू आए हैं, वो भी कंपनी को आप बता सकते हैं, वेल एंड गुड। देन इन द एंड आपको डायरेक्टली असेसमेंट का एक लिंक मिल जाता है जो कि हायर प्रो के नाम से होता है, वहाँ पे आप असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड असेसमेंट में क्या आएगा जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इन प्रीवियस असेसमेंट प्रोसेस वहाँ पे 5 राउंड होते थे और एट प्रेजेंट जो अभी प्रोसेस है उसमें सिर्फ 3 राउंड होंगे। जो फर्स्ट राउंड है उसमें मतलब राउंड के भी राउंड होंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ खाली एक ही राउंड रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको जस्ट लाइक एमसीक्यू आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। सेकेंड राउंड में 2 पार्ट्स होंगे, ओके। इन फर्स्ट पार्ट वहाँ पे आपको लाइक ऑडियो सुनाई देंगे या कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जिसके आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। 4 लाइक उसमें ऑप्शंस देते हैं, 4 ऑप्शंस, वहाँ से आप करेक्ट वन सेलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू मेंबरशिप, कस्टमर मेंबरशिप, जो आपने अमेज़ॉन की मेंबरशिप सुनी होगी प्राइम मेंबरशिप, उससे रिलेटेड रहता है। एंड लाइक ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड होता है कि अगर कस्टमर का अकाउंट कुछ हो गया है, होल्ड में हो गया है, ब्लॉक हो गया है, या लाइक उन्होंने कोई मेंबरशिप ली है, उनका डिवाइस में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इससे रिलेटेड ये सारे कंसर्न होते हैं। जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी ये 3 राउंड में आपका जो असेसमेंट रहेगा, ऑल रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या काम होता है, कस्टमर से हमें कैसे बात करनी, ऑल रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस, आपको इसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज़ पहले आप सारी चीज़ें लाइक देख लेना एक बार, ज़्यादा है तो मैं एक आपको ट्रिक बता सकता हूँ। आप एक बार ना अमेज़ॉन से कुछ भी प्रोडक्ट मंगा के उसका कुछ भी इशू बना के एक बार कस्टमर सर्विस में कॉल कर लेना, एंड वो कैसे बात करते हैं, कैसे अपोलोजाइज करते हैं, कैसे आपसे लाइक आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसके लाइक उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करते हैं, इसी से रिलेटेड पूरा असेसमेंट है। और इतना ईजी असेसमेंट है, आपके अगर आप 70% भी वो कंप्लीट कर लेते हो, यू विल बी गेट ईमेल फॉर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू का ईमेल आ जाता है। एंड इंटरव्यू का भी मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, वो भी इतना रिलेटेड है लाइक इतना ईजी है जो कि आप ऑलरेडी स्कूल के टाइम पे वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, आपको उनके बारे में पता है, सो ईजिली आप वो इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते। सो फर्स्ट राउंड में आपका ये होगा जो मैंने बताया, सेकेंड राउंड में जो आपको बताया कि एक ऑडियो आपको सुनाई देगी, वो आप मैक्सिमम 3 बार सुन सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली, 3 बार आप सुन सकते हो। देन आपको वो अच्छे से सुनना है, कस्टमर रिलेटेड कंसर्न ही होगा, या तो उसमें लाइक कुछ एड्रेस की बातें होती हैं जितना मुझे याद है, और फिर आपको एक रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है, और मैक्सिमम आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले आप अच्छे से कंसर्न सुनो, 3 बार आपके पास है, ठीक है, ऑडियो सुनने का, 3 बार आप अच्छे से सुनो, देन यू नीड टू रिकॉर्ड दैट ऑडियो, योर ऑडियो, कि आप कस्टमर को कैसे रिप्लाई बैक करोगे, आप उनसे कैसे बात करोगे, जो आपने कंसर्न सुना है उसका आप कैसे आंसर करोगे, और जो कंसर्न आपको सुनना है वो ऑडियो से सुनना है, और उससे रिलेटेड आपको सिंपली उसमें आंसर करना है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड राउंड। लेट्स कम टू थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में होगा ये कि आपको कुछ स्टेटमेंट मिलेंगी और उसमें आपको मोस्ट डिसलाइक एंड मोस्ट लाइक करना है। सो मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैक्सिमम उसमें मोस्ट लाइक ही आता है। देखिए उसमें ना 2 पार्ट में आपको लाइक 2 कॉलम्स होंगे, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट लिखी होगी। सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेज़ॉन आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वो सेंटेंसेस होते हैं, और उसी के नीचे मोस्ट लाइक मोस्ट डिसलाइक ऐसा एक ऑप्शन होता है, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ मोस्ट लाइक मोस्ट डिसलाइक इसी से रिलेटेड होता है। सो बस आपको ये 30 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्स होते हैं, सो वहाँ पे आपको मोस्ट डिसलाइक
मोस्ट लाइक करना है, और मैक्सिमम मुझे पता है कि मोस्ट लाइक ही होता है, डिसलाइक तो होना ही नहीं है, बस सेंटेंस आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। जितना भी ये प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लेते हो, यू नीड टू सबमिट योर असेसमेंट इन द पोर्टल ऑफ Amazon, जहाँ पे Amazon का जॉब पेज होता है, वहाँ से आप उसे सबमिट कर सकते। आफ्टर दिस यू नीड टू वेट अप्रॉक्स 1 month, 1 महीने के अंदर लाइक उनके तरफ से इंटरव्यू का मेल आता है इफ़ यू आर सेलेक्टेड। और उसके पहले आपको एक लाइक 10 hours के शिफ्ट का भी एक मेल आता है कि आर यू ओके विथ 10 hours शिफ्ट, क्योंकि अभी एक Amazon में एक नया कुछ आया हुआ है जिसमें लाइक जो न्यू एजेंट्स हायर कर रहे हैं वो 10 hours के लिए कर रहे हैं। सो यू कैन चेक द ईमेल्स कि आपको वो ईमेल आता है कि नहीं। अगर वो ईमेल आपको आया है 10 hours का, सो अगर आप उसको ओके कर देते हो या आई एम एग्री विथ 10 hours, मुझे कोई भी इशू नहीं है, मैं कर लूँगा, सो या उसके बाद आपका 100% चांसेस रहता है कि आपके पास इंटरव्यू का मेल आ जाता है, 100% चांसेस है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी इंटरव्यू की डिटेल्स ऐड कर दूंगा कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, क्या मेनली चेक होता है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं मेंशन कर दूँ। आई नो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं एंड आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, देन यू विल 100% क्रैक योर असेसमेंट ऑफ Amazon। आप 100% वो चीज़ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव द इंटरव्यू मेल एज वेल, क्योंकि रिसेंटली मैंने लास्ट 2 months में मैक्सिमम 10 लोगों को शेयर किया था लाइक अपने रेफर से। सो उसमें से 7 लोग आ चुके हैं Amazon में, दे आर वर्किंग फॉर Amazon, लाइक फॉर सम ऑफ द पीपल्स दे हैव 3 months ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, एंड लाइक 2 or 3 पीपल दे आर गेटिंग फुल टाइम परमानेंट जॉब, सो उनको पूरा परमानेंट ही मिला हुआ है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। बट मैक्सिमम जो Amazon हायर करता है वो 3 months के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए ही करता है। इफ आपकी किस्मत अच्छी है आपको चैट प्रोसेस मिल जाता है और फ़ोन प्रोसेस भी मिल जाता है, बट कंसर्न ये है कि लाइक परमानेंट मिलता है कि नहीं। अगर चैट प्रोसेस होता है तो मेनली उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको परमानेंट जॉब रोल मिलता है, एंड यू हैव टू वेट टिल 1 month, आपको वेट करना होगा, 1 month अप्रॉक्स लगता ही है। और अगर आपका ज़्यादा अच्छा असेसमेंट निकला है देन यू